नमस्कार, मैं दिव्य। स्वागत है आपका दिन भर की फटाफट 30 खबरों में। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते को लेकर मीडिया में अफवाहें चल रही हैं। हालांकि 1 दिसंबर को आराध्या के 13वें जन्मदिन की पार्टी में अभिषेक नजर आए और उन्होंने आयोजकों का धन्यवाद किया। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर विक्रांत मेसी ने 1 दिसंबर को एक्टिंग से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब परिवार के साथ समय बिताने का वक्त आ गया है। उनका ये फैसला सभी को चौंका गया है क्योंकि वे अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को नई दिल्ली में संसद परिसर में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखा। विक्रांत मैसी, रिधि डोगरा और राशि खन्ना की अभिनीत ये फिल्म 2002 गुजरा ट्रेन जलाने की घटना पर आधारित है। फिल्म को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सराहा गया है और कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी किया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की घटती प्रजनन दर पर चिंता जताने की टिप्पणी का भाजपा ने स्वागत किया, जबकि विपक्षी दलों ने संसाधनों की कमी और रोजगार के अवसरों की स्थिति पर सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि बढ़ती आबादी के लिए संसाधन कहां से आएंगे, खासकर जब खाद्य कीमतें और बेरोजगारी बढ़ ही हैं। हुंडई मोटर इंडिया अपनी पॉपुलर SUV क्रेटा का इलेक्ट्रिक मॉडल जनवरी 2025 में लॉन्च करने वाली है। नई क्रेटा EV में 45 kWh बैटरी, 500 किलोमीटर रेंज, 138 HP पावर और 255 Nm टॉर्क मिलेगा। इसमें ADS 6 एयरबैग्स, 10.25 इंच टच स्क्रीन और शानदार बूट स्पेस सहित कई फीचर्स होंगे। इसकी कीमत 20 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। हाल ही में 90 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, जिनमें पैरासीटामोल और पैंडी जैसी दवाइयां शामिल हैं। खराब क्वालिटी की दवाएं सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे एलर्जी, पेट दर्द और किडनी लीवर समस्याएं। दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। इस प्रकार की दवाएं अगर टेस्ट में फेल होती हैं तो उनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। पश्चिमी लंदन के 10 वर्षीय ग्रेस अरोरा ने 162 के IQ स्कोर के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके माता पिता ने उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता को पहचानते हुए बताया कि वो 4 साल की उम्र में ही जटिल गणित हल करने लगे थे। क्रिस ने शतरंज, पियानो और गणित में भी शानदार प्रदर्शन किया। देश की प्रमुख इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2025 18 मई को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पेपर में होगी। पहला पेपर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। केवल JEE मेन 2025 पास उम्मीदवार ही इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने ग्रैप प्रणाली को आपातकालीन उपाय बताया और अस्थायी समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कोर्ट ने अधिकारियों पर कार्रवाई के बारे में भी सवाल उठाए, जबकि ट्रकों की एंट्री पर नाराजगी व्यक्त की। सर्दियों में धूप की कमी से विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसे पूरा करने के लिए आप अंडे, मशरूम, मछली और सोया मिल्क को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV B6e और XEV9e लॉन्च की है, लेकिन इनके डिज़ाइन पर सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। एक यूज़र ने महिंद्रा की गाड़ियों के डिज़ाइन और सर्विस पर सवाल उठाए हैं, जिस पर कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने करारा जवाब दिया है और सुधार की दिशा में अपने विचार साझा किए हैं। क्रेमलिन ने घोषणा की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2025 के शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण मिला है और ये यात्रा वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित की जाएगी। भारत और रूस के बीच संबंधों को देखते हुए ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद वेंडिंग ATM मशीन का शुभारंभ किया। श्रद्धालु QR कोड स्कैन करके 100, 200 या 500 ग्राम लड्डू के पैकेट प्राप्त कर सकेंगे। ये सुविधा देश में किसी भी अन्य मंदिर में उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल निकालने वाली कंपनियों के लिए विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है। ये निर्णय रिलायंस और ONGC जैसी कंपनियों को राहत देने वाला है। सरकार ने ये टैक्स जुलाई 2022 में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बाद अप्रत्याशित लाभ पर लागू किया था, जो अब समाप्त हो गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें डीएनडी के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 4000 पुलिसकर्मी तैनात हैं और वाटर कैनन भी तैयार है। किसान मुआवजा और कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2.29 करोड़ महिलाओं ने आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल किया, जो 2019-20 में 1.83 करोड़ था, यानी 25% की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिला आईटीआर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जबकि चंडीगढ़ में मामूली गिरावट आई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 1200 से 1500 मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के फैसले पर जवाब मांगा। कोर्ट ने इस निर्णय को लेकर चिंता जताई और आयोग से 3 सप्ताह में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये निर्णय बिना किसी डेटा के लिया गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने बताया कि टीम के नए कप्तान का चयन हो चुका है, जिसकी घोषणा आईपीएल 2025 से पहले की जाएगी। टीम में ऋषभ पंत, मिशेल मार्स, एडन मार्करम और निकोलस पुरन जैसे अनुभवी नेतृत्वकर्ता शामिल हैं। गोयनका ने कहा कि पंत में जीतने की भूख और जुनून है। केनरा बैंक ने 3 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। नई दरें 1 दिसंबर 2024 से लागू हो चुकी हैं। बैंक अब 2 साल से 5 साल तक की एफडी पर 0.60% तक अधिक ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन को 7.90% तक ब्याज मिलेगा, जबकि अन्य ग्राहकों को 7.40% तक। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को प्रदर्शनकारी किसानों से राजमार्ग बाधित न करने और जनता की सुविधा का ध्यान रखने की सलाह दी है। डल्लेवाल पंजाब हरियाणा सीमा पर आमरण अनशन पर थे। कोर्ट ने कहा है कि लोकतांत्रिक विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। नेशनल प्रीमियर लीग में शिखर धवन ने 2 दिसंबर को करनाली यॉर्क्स के लिए पहला मैच खेला। उन्होंने 14 गेंदों पर 14 रन लगाए, लेकिन उनकी टीम को 21 रन पर दूसरा झटका लगा। करनाली यॉर्क्स ने 20 ओवर में 141 रन बनाए, जिसमें गुलशन झा और सोमपाल कामी की अहम पारियां शामिल थी। व्हाट्सएप 2025 से पुराने iOS वर्जन पर चलने वाले iPhones के लिए सपोर्ट खत्म करने की योजना बना रहा है। iOS 15.1 और उससे पुराने वर्जन वाले यूजर्स अब ऐप को उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये कदम नए iOS अपडेट्स और फीचर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है, जिससे पुराने iPhones पर उपयोगकर्ताओं को समस्या हो सकती है। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO की परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच के दौरान पाया कि प्रॉक्सी सर्वर और रिमोट व्यूइंग एप्लीकेशन के जरिए परीक्षा में धोखाधड़ी की जा रही थी। 37 लोग हिरासत के लिए ले गए हैं और विशेष अनुसंधान दल गठित किया गया है। योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज को महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया है, जो 2025 में महाकुंभ मेला के आयोजन के लिए तैयार किया गया है। इस नए जिले में संगम के पास के 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल किए गए हैं। इस बदलाव के साथ यूपी में अब 76 जिले हो गए हैं। अगर आपके पास प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के तहत 3,500 रुपये मिलने का दावा करने वाला व्हाट्सएप मैसेज आया है, तो वो फर्जी है। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। साइबर ठगी से बचने के लिए संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और सरकारी वेबसाइट से पुष्टि करें। व्हाट्सएप के सेटअप के दौरान कुछ यूजर्स को एग्री एंड कंटिन्यू बटन नहीं दिखाई दे रहा है, खासकर जब वे नया फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये समस्या फ़ोन के फॉन्ट साइज के कारण होती है। इसे ठीक करने के लिए फॉन्ट साइज छोटा करें और फिर बटन दिखाई देगा, जिससे सेटअप पूरा किया जा सके। गेटवे ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश राजा रानी के स्वागत के लिए 1911 में बनवाया गया था, आज मुंबई का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इसका निर्माण 1915 में शुरू होकर 1924 में पूरा हुआ था। यह स्मारक ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों की विदाई का प्रतीक बना। अब ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख स्थल और नौका विहार का केंद्र है। बिहार और झारखंड के शॉर्टलिस्ट हुए अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया 20 से 27 दिसंबर 2024 तक पटना के न्यू KLP ग्राउंड दानापुर कैंट में आयोजित होगी। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 20 से 26 दिसंबर तक विभिन्न पदों पर भर्ती होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए 27 दिसंबर को भर्ती होगी। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड के साथ समय पर उपस्थित होना होगा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP ने सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के 526 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 14 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और मेडिकल टेस्ट के बाद चयन किया जाएगा। CTT परीक्षा
सीटीटी परीक्षा 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और सीबीएसई परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। उम्मीदवार ctt.nic.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। सीटीटी परीक्षा में 2 पेपर होंगे। आज के लिए इतना ही। आप में से जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं: धीरज मिश्रा, प्रमीला कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद रजा, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा, अंकित कुमार, रामबाबू दास, अमित कुमार, दीपक कुमार। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।